हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कमर्शियल आर्टिस्ट वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गणपति का मैंने फोटो बना दिया है, गणपति शेड। ये बाजू मेरा बोर्ड है दोस्तों, ये जो बोर्ड है रिपेंटिंग के लिए आ गया, वो मैं बना के बाद में दे दूंगा। चलो अपने पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, मैं इसको पोछ लेता हूँ। आज का जो विषय हो वो इंडिकेटर के बारे में, बाइक का इंडिकेटर कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करते। मैं इसको पोछ लेता हूँ, रब कर लेता हूँ और इंडिकेटर के बारे में हम लोग वीडियो चालू कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी बाइक का जो इंडिकेटर की वायरिंग होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इंडिकेटर में कैसे बाइक का मुंह ये बाजू ऐसा सोचो, यहाँ पर हैंडल ऐसा सोचो, यहाँ पर टेल है, अरे पीछे का व्हील यहाँ पर है, आगे का व्हील यहाँ पर है, ऐसा सोचो। बाइक ऐसी है ऐसा सोचो। तो जो लेफ्ट बाजू का इंडिकेटर है, दोनों भी इंडिकेटर बाइक के लेफ्ट साइड में है और दोनों इंडिकेटर बाइक के राइट साइड में, ऐसा सोचो। बाइक का मुंह ऊपर की तरफ है और टेल यानी पीछे का हिस्सा वो नीचे की तरफ, बाइक ऐसी ऐसा सोचो, है ना। अभी लेफ्ट इंडिकेटर दो है, एक आगे का आगे के हैंडल के आकार व्हील इंडिकेटर और पीछे का इंडिकेटर, राइट बाजू में भी आगे का इंडिकेटर और पीछे का इंडिकेटर, राइट बाजू का और लेफ्ट बाजू का, दोनों इंडिकेटर राइट बाजू के, दोनों इंडिकेटर लेफ्ट बाजू के। आपको समझ में आया रहेगा, बाइक का मुंह ऊपर की तरफ है, हैंडल ऊपर, हैंडल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नीचे टेल लाइट रहेगा। तो इसका वायरिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करें। पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर में क्या क्या चीज, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना था इग्निशन की, इग्निशन की जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते तभी इग्निशन की होता है, इग्निशन की वो यहाँ पे दिया जाता है ना, इग्निशन की। उसके बाद इंडिकेटर बता दिया मैंने, राइट बाजू का दोनों इंडिकेटर आगे के व्हील के पास और पीछे के व्हील के पास था, आगे के व्हील का पीछे के व्हील का, लेफ्ट बाजू का इंडिकेटर। यहाँ पर बैटरी है ऐसा सोचो, बैटरी है यहाँ पर, बैटरी में, बैटरी में प्लस माइनस टर्मिनल्स होते हैं, प्लस यानी पॉजिटिव होता है, माइनस बोले तो नेगेटिव होता है। बाद में यहाँ पर फ्लैशर, इसको क्या होता है फ्लैशर, जो बैटरी होती है, बैटरी के बैटरी निकालने के बाद पीछे बाजू से आप सॉकेट निकाल सकते हैं, उसमें फ्लैशर होता है। एक्चुअली फ्लैशर क्या काम करता है, जब हम लोग इंडिकेटर देते तो कभी बंद चालू हो जाता है ना, यानी ऑन ऑफ एंड लाइट ब्लिंक ही होते हैं, तो काम करने का काम होता है फ्लैशर का। अगर फ्लैशर नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, आप अगर फ्लैशर को अगर ज्वाइन करेंगे यानी डायरेक्ट करेंगे, फ्लैशर को निकल के अगर डायरेक्ट करेंगे तो आपका ब्लिंकिंग नहीं होएगा, इंडिकेटर ब्लिंकिंग नहीं होगा। तो फ्लैशर क्या काम करता है, बाइक के इंडिकेटर को ब्लिंकिंग करने का काम करता है, ब्लिंकिंग बोले तो बंद चालू करने का काम करता है फ्लैशर। अगर फ्लैशर नहीं रहेगा तो इंडिकेटर वैसे ही जलते रहेगा, बंद चालू नहीं हो जाएगा, ये मतलब है। उसके बाद देखते हैं ये जो है, जो हैंडल के ऊपर, हैंडल के ऊपर जो लेफ्ट में या राइट में हम लोग इंडिकेटर कौन से जलाने का है, इसके लिए जो स्विच होता है वो स्विच है हैंडल के ऊपर होता है ये हिसाब से। और इसमें क्या है, इग्निशन की है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कैसे होते हैं, जैसे बैटरी में प्लस और माइनस, अभी वायरिंग के बारे में बात करते हैं। बाई चांस आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ गया इसका तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर जल रहा है या नहीं जल रहा है ये भी आप सोच सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मतलब। जैसे सबसे पहला करंट होता है बैटरी में, करंट होता है बैटरी का, ये प्लस टर्मिनल है, प्लस का मतलब क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल है और माइनस यानी निगेटिव टर्मिनल है। जब भी प्लस और माइनस होगा तो भी सर्किट कभी भी कम्प्लीट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ, जूम भी ऊपर कर देना। जैसे यहाँ पे समझो आप लोग एक सर्किट, इसके बारे में जरा बाद में बात करते हैं क्योंकि आपको सर्किट के बारे में थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो एक सर्किट मैंने बना दिया, यहाँ पे टर्मिनल ले रहा हूं, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, समझो यहाँ पे की हो गया, ये की है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, बल्ब लगा दिया क्योंकि अभी थोड़ा बेस नॉलेज होना जरूरी है, ये हम लोगों को साइंस में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं टीचर हूँ, है ना टीचर, अपना क्लासेस चलता है 15वीं तक, आर्ट्स कॉमर्स साइंस
और उसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेस के भी क्लासेस पढ़ा था, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेस होते बीएमएस वगैरह वो भी पढ़ा था। मैं टीचर हूँ, बीएससी बीएड हूँ। तो पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर्किट कैसे होता है, उसके बाद आपको ये नॉलेज ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। तो पहले सर्किट नॉलेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये सेल है, सोचो सेल यानी बैटरी, ऐसा सोचो प्लस माइनस वाला सेल है। तो प्लस से क्या होगा, ये बाजू करंट दौड़ते रहेगा, है ना, करंट आएगा। या फिर की है, स्विच है, यह भी ओपन है, इसको अगर बंद करते ऐसा तो क्लोज हो जाएगा। बंद करने के बाद करंट कैसे आएगा, या फिर बल्ब में चला, बल्ब का प्लस पॉइंट है, अरे माइनस पॉइंट है। तो प्लस में से जाके जो फिलामेंट होता है ज्यादा करके बल्ब में होता है, टंगस्टन का जो वायर होता है, टंगस्टन उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होता है। टंगस्टन जो पहले के जमाने में था, अभी भी है वो, लेकिन अभी एलईडी का जमाना आ गया। एलईडी में एलईडी अलग होता है, अलग अलग एलईडी तीन वोल्टेज का वगैरह होता है। तो बल्ब हम लोग सोचते हैं प्लस यहाँ पे चला गया, बाद में कम्प्लीट होने, सर्किट कम्प्लीट होने के बाद निगेटिव यहाँ पे, निगेटिव वापस बैटरी से यानी सेल की तरफ आ गया। यानी सर्किट जब कम्प्लीट होगा तभी ये ग्लो होगी, ग्लो का मतलब बल्ब जलेगा। समझे, स्विच को मैंने ऑफ रखा, निकाल दिया, ये स्विच को ज्वाइन नहीं किया तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये मतलब, यानी कहने का मतलब क्या, प्लस जाके पूरा सर्किट कंप्लीट करके ग्लो होके बाद में फिर से वो रिटर्न जाना चाहिए निगेटिव की तरफ। तो वही तरीका, अभी ये बाजू में हम लोग बात करते इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हमारी बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए, अगर बैटरी चार्जिंग नहीं होगी तो ठीक से इंडिकेटर काम नहीं करेगा। इंडिकेटर ही नहीं, आपका जो हॉर्न है वो भी काम नहीं करेगा और बाइक भी स्टार्ट नहीं होगी। समझो बाई चांस आपकी बाइक अगर 8-9 वोल्टेज से कम है, 8-9 वोल्टेज से कम है, 8-9 वोल्टेज से कम है, तो बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। सेल से तो स्टार्ट होगी नहीं, हुई तो हुई वो किक से स्टार्ट होगी। किक से स्टार्ट होने के बाद जो चार्जर होता है बैटरी के बाजू में, वो बाइक को चार्जिंग करेगा, चलाते चलाते बाद में बाइक ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अरे कहने का मतलब कि आपकी बैटरी है वो चार्जिंग हुए भी होनी चाहिए, चार्ज हुए रहती है। बैटरी अपनी 12 वोल्टेज की होती है, कोई भी व्हीकल की बैटरी 12 वोल्टेज की होती है। तो समझो 12 वोल्टेज की बैटरी है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है। और जो बैटरी होते है ये भी कैसे, बैटरी में जो आता है जो चार्जर होता है, चार्जर के बाद क्या होता है हमारा जो फ्यूज होता है, इससे बैटरी में भी करंट आता है, ये भी मतलब यानी सर्किट होते रहते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अभी वो चार्जर नहीं बता रहे हैं और जो फ्यूज है वो भी नहीं बता रहेगा, तो डायरेक्ट बैटरी से देख रही। अभी बैटरी से डायरेक्ट अगर आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो बैटरी से प्लस पॉइंट पहले कहाँ पर चला जाएगा, इग्निशन की में चला जाएगा, इग्निशन की में, ये बात है। तो हम लोग अभी समझाने के बाद में इग्निशन की से फ्लैशर के पास आएगा, ये भी मतलब है ना। बैटरी से पहला करंट कहाँ पर आएगा, इग्निशन की, क्योंकि आपने इग्निशन की स्टार्ट करी, तो इग्निशन की स्टार्ट करने के बाद ही फ्लैशर के पास करंट आएगा। अब फ्लैशर के बाद में चारों भी इंडिकेटर में करंट पास होता है। तो कैसे होता है, तो अच्छा समझ लेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इग्निशन की है इसको रिमूव करता है, निकाल देता हूँ इग्निशन की, डायरेक्टली बैटरी से आपको फ्लैशर की तरफ करंट लेके जाए, क्योंकि कंफ्यूज होने वाली बात है। फिर से आपको बात बताया जाता हूँ, जो बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है प्लस वाला, वो डायरेक्टली इग्निशन की में आता है। इग्निशन की आप चाबी अगर ऑन करते हैं यानी चालू करते हैं, उसके बाद जो करंट होता है सप्लाई वो फ्लैशर के पास आता है, फ्लैशर से बाद में क्या होता है इंडिकेटर के पास करंट घूमते रहते हैं। तो अच्छा समझने के लिए, कंफ्यूज नहीं होने की वजह से मैं थोड़ा सा इंडिकेटर की को रिमूव कर देता है, निकाल के देता हूँ, डायरेक्टली अपन बैटरी से पास करेंगे, ऐसे मतलब सोचते। दोस्तों मेरे पास डस्टर है क्योंकि मैं टीचर हूँ, जिसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग सोचते डायरेक्ट बैटरी से करंट लेती, ये मतलब होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को समझने के लिए इनका जो चारों भी इंडिकेटर का जो निगेटिव पॉइंट है उसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, निगेटिव पॉइंट को यानी माइनस वाला, ये इंडिकेटर का समझे अभी अलग अलग हिसाब से मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों इंडिकेटर का ये जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसको पहले हम लोग जान लें। सबसे पहले वायरिंग हम देखते हैं इंडिकेटर में, ज्यादा करके कौन से वायर होते हैं, हरा वायर है यानी ग्रीन कलर का वायर होता है, ब्लैक कलर का होता है, रेड कलर का है, ये मतलब होता है।
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसको ज्वाइन करते हैं, नेगेटिव पॉइंट को। नेगेटिव पॉइंट होता है ज्यादा करके ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर से मैं ज्वाइन कर रहा हूं। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये प्लस वाला पॉइंट है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव को ज्वाइन करते, इसको ज्वाइन करते नेगेटिव को, यहां से मैं डायरेक्टली यहां पर ले रहा हूं। यानी मैंने क्या किया, चारों भी इंडिकेटर का जो नेगेटिव है, माइनस वाला पॉइंट है, माइनस वाला बोले थे, जैसे अभी अभी यहां से करंट आ गया, ये बल्ब में आ गया, बल्ब के बाद जो जाने वाला जो करंट है वो माइनस वाला होता है, ये माइनस होता है, माइनस वाला इसमें आ गया, है ना। ये हिसाब से जैसे मैंने समझाने के लिए पहले कोशिश कर रहा हूं, जो टर्मिनल दो टर्मिनल इंडिकेटर को भी दो टर्मिनल होता है, एक प्लस वाला ऊपर नीचे माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है माइनस वाला उसको ज्वाइन करना चाहिए चारों भी इंडिकेटर का। तो मैंने ज्वाइन करके बता दिया, ये इंडिकेटर का माइनस पॉइंट है, ये इंडिकेटर का माइनस पॉइंट को ज्वाइन हो गया, ये इंडिकेटर का माइनस पॉइंट है, ये राइट बाजू का इंडिकेटर है उसके माइनस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये राइट बाजू के इंडिकेटर है, ये आगे का और ये पीछे का इंडिकेटर, ये आगे का और ये पीछे का इंडिकेटर, लेफ्ट बाजू का, ये लेफ्ट बाजू का, ये राइट बाजू का, ये सब है। और दोनों भी ज्वाइन करने के लिए मैंने बीच में से बता दिया वायर, ग्रीन कलर का वायर बताया, क्योंकि वो ग्रीन कलर का वायर तो आप अगर बॉडी में भी लगा देते फिर भी चलेगा, इसका भी याद रखो, है ना। बॉडी में लगा के टच करें बॉडी में तो अपने आप इंडिकेटर भी काम करेगा, लेकिन हम लोग बैटरी में इसको देने वाले ओपन निगेटिव वाले को, ये जो बैटरी है इसका प्लस पॉइंट इधर है और यहाँ पे माइनस पॉइंट है बैटरी का, ये मतलब है, ये जो माइनस वाला हो गया वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइनस पर दे देते, ये जो माइनस है यहाँ पे हम लोग ने दे दिया। यानी कहने का मतलब क्या, इंडिकेटर में दो दो चेहरा होता है, एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। जो निगेटिव का हम लोग ने सर्किट कम्प्लीट कर दिया, चारों भी इंडिकेटर का, चारों इंडिकेटर का जो निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया। कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते चारों पॉइंट को, यहाँ से भी आप ले सकते, अगर बाय चांस यहाँ से नेगेटिव पॉइंट लेके यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, फिर भी चलता अपना अपना हिसाब से। लेकिन जो वायर की बचत होने का काम होता है, भले से यहाँ से आपने ज्वाइन किया लेकिन वो इधर जाएगा। समझो मैं आपको अलग अलग ढंग से बताना चलो, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके लिए, ये लाइन को मैंने छोड़ दिया। समझो मैंने क्या किया, ये जो माइनस पॉइंट है ये माइनस पॉइंट को जोड़ दिया, और इधर का जो माइनस है वो अंदर से घूम के ये माइनस पॉइंट को जोड़ दिया, ये माइनस पॉइंट को जोड़ दिया, ऐसा सोचो। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते कभी भी इसके बारे में, फिजिक्स का बारे में बात करते लाइटिंग का, इसका मतलब है वायर ज्वाइन नहीं है। अगर मैं इसको अगर ऐसा डायरेक्ट लेता तो इसका मतलब होता था वायर को ज्वाइन हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, लूप किया, लूप, लूपिंग, लूप यानी बाहर से वायर, ऐसा सोचो। यानी निगेटिव को मैंने जोड़ दिया, यानी शॉर्टकट पे बोले तो ये वायर यहाँ पे आ गया, निगेटिव को जोड़े और ये वाला निगेटिव यहाँ पर आ गया और ये निगेटिव है वो डायरेक्टली बैटरी के पास चल रही। आपको समझ में आया रहेगा, ऐसे भी वायरिंग कर सकते हैं। जैसे पहले बताया वो सिस्टमैटिक बात बताया, अगर आपको जोगाड़ के साथ जोगाड़ में यानी असलियत में वायरिंग करना है तो ये वाला वायर इधर लेके आओ, ये वाला वापस निगेटिव लेके आओ, इधर के निगेटिव और बाद में बैटरी के निगेटिव में चला। यानी कहने का मतलब चारों भी इंडिकेटर का निगेटिव पॉइंट हमने एक वायर से, ग्रीन वायर से ज्वाइन कर दिया, ग्रीन वायर से। अभी देखते क्या होता है, सबसे पहला करंट जो रेड वायर होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों ये बैटरी में प्लस पॉइंट है, जैसे रेड कलर का वायर है, रेड कलर का वायर अभी मैं डायरेक्टली फ्लैश के लिए दूंगा, फ्लैशर के लिए, फ्लैशर का समझो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, तो फ्लैशर को प्लस के, प्लस को मैं दूर दे दूंगा वही हिसाब से मैंने प्लस वायर को दे दिया फ्लैशर को। मैंने क्या किया, एक्चुअली जो ये इग्निशन की बता जाता है इसको मैंने निकाल दिया, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके लिए। आप बैटरी से भी डायरेक्ट करंट दे सकते हैं, इग्निशन की से भी दे सकते हैं, लेकिन बैटरी से अगर डायरेक्ट करंट देगा, आपने बाइक चालू लेके कहीं पे भी खड़ी कर दी तो कोई भी बच्चे उसको ऑन ऑफ करके क्या करेंगे, इंडिकेटर को चालू कर सकते, इंडिकेटर चालू। इसके लिए इग्निशन की में पहले वायरिंग जाते हैं, बाद में इग्निशन की के बाद
फ्लैशर में आती है। मैंने समझाने के लिए डायरेक्टली फ्लैशर में दे दिया, बार बार कह रहा हूँ समझाने के लिए फ्लैशर में दे दिया, इग्निशन की को रिमूव कर दे क्योंकि इधर कंफ्यूज होने वाली बात है इसके लिए। तो बैटरी का प्लस पॉइंट आ गया फ्लैशर के प्लस पॉइंट में। फ्लैशर क्या होता है, छोटा सा ऐसा सॉकेट होता है। फ्लैशर का काम क्या होता है, जो ब्लिंकिंग होती है इंडिकेटर लाइट बंद चलो वो करने का काम फ्लैशर होता है। अगर फ्लैशर नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन आपकी लाइट है इंडिकेटर की लाइट ब्लिंकिंग नहीं होगी, वो डायरेक्टली जलती ही रहेगी, ये मतलब है। तो इसके लिए फ्लैशर का काम है। तो फ्लैशर के प्लस पॉइंट में दे दिया तो प्लस वाला जो करंट आ गया रेड कलर का वो अभी ये बाजू में आ गया, इधर से करंट अभी इधर आ गया, यानी जो करंट आया फिर से बताया जाता हूँ, बैटरी से प्लस वाला करंट आ गया वो फ्लैशर के प्लस में आ गया। फ्लैशर के प्लस से करंट आ गया, अंदर सर्किट होता है फ्लैशर के अंदर, वो सर्किट से ये बाजू करंट आ गया। अभी ये बाजू से करंट अभी क्या देना है, ये बाजू जो स्विच होता है, स्विच जैसे आप लोग इंडिकेटर को राइट करना है या लेफ्ट करना है वो हैंडल के ऊपर स्विच होता है ना, वो ये स्विच है। तो इधर मिडल में तीन तार होते हैं, तीन तार, तो बीच की जो तार होती है यहाँ पे जो करंट है, फिर से बता रहा बैटरी से करंट सबसे पहला फ्लैशर के प्लस पॉइंट में आ गया, फ्लैशर के प्लस पॉइंट से अंदर के सर्किट में जाकर यहाँ पर आ गया निगेटिव में, यहाँ से फिर से यहाँ पे मिडल पॉइंट में है, जो करंट एक्चुअली होता है यहाँ पर आ गया ऐसा। आपको अगर इंडिकेटर ने जलता है नहीं शो करता है तो आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर 20 वोल्टेज के ऊपर रखिए भी आप चेक करते, जैसे मेरे अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में देख सकते हैं, या बाइचर बॉडी में स्ट्राइकिंग करके यानी स्ट्राइकिंग बोले तो खरोंच के थोड़ा करंट आ रहा है क्या, उससे भी आप पहचान सकते बॉडी में है लोहे वाला बॉडी में। तो ऐसे करंट यहाँ पे मिडल में आ गया। अभी आप लोग क्या करते हैं, समझो लेफ्ट का इंडिकेटर जलने के लिए ये लेफ्ट में ये करते हैं, लेफ्ट में राइट बाजू का इंडिकेटर जलाने के लिए इसको राइट में करते, यानी इधर इधर ऐसा करते हैं स्विच को हैंडल के ऊपर कर रहता है। तो ये जो करंट है ये जो बीच में आया है ये करंट कॉमन होता है, अगर हम लोग इधर करते इसको तो ये बाजू करंट आएगा, अगर उधर करते तो ये बाजू करंट आएगा, ये मतलब होता है इनका। फिर से बताना चाहता हूँ, बैटरी से करंट है प्लस से फैशन के प्लस में आ गया, फैशन के बाद में अंदर सर्किट होगा उसमें ये नेगेटिव पॉइंट पर आ गया, नेगेटिव के पास बाद में ये मिडल पॉइंट में आ गया, ये स्विच है हैंडल के ऊपर का स्विच है, यहाँ पे करंट आ गया। जैसे यहाँ पे स्विच के ऊपर जो बटन होता है वो अगर आप लोग लेफ्ट में करें तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलता है, राइट में करेंगे तो राइट का इंडिकेटर जलता है, आपको समझ में आया होगा। चलो आगे का प्रोसेस देखते, मैं बार बार क्यों, भले से वीडियो लंबा होगा चलेगा, बार बार क्यों बताने की कोशिश करता, आपको अगर कभी इंडिकेटर नहीं जलता रहेगा तो आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी काम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझो अभी यहाँ पे कर लेना, अभी मुझे समझो सबसे पहला पॉजिटिव के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंडिकेटर का पॉजिटिव लाइट है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पॉजिटिव लाइट है इसको हम लोग जान शॉर्ट करते यहाँ से ये बाजू लेके, ये पहले प्लस प्लस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, सोचो वही तरीका है इसका भी, जो पॉजिटिव का प्लस प्लस वाला पॉइंट है ये भी ऐसे मैं वायरिंग जोड़ देता हूँ, आपको समझ में आया होगा। ये जो रेड कलर का वायर है ये पॉजिटिव है प्लस प्लस का, इंडिकेटर का प्लस, इंडिकेटर का प्लस मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों राइट बाजू का, उसी प्रकार लेफ्ट बाजू का भी ये जो प्लस है और ये जो प्लस है इसको ज्वाइन कर दिया। मैंने वायरिंग बाहर से बता दिया क्योंकि कंफ्यूज ना हो सके, अंदर से अगर वायरिंग लेते, हालांकि वायरिंग होती है वो हमारे टैंक होते हैं उसके नीचे से वायरिंग चली जाती है, सीट के नीचे से टैंक के नीचे से वायरिंग चली जाती है, तो कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने बाहर से वायरिंग बताया। ये वायर को आप अंदर डाल सकते हैं, टैंक के नीचे से ले सकते हैं या सीट के नीचे से डाल सकते हैं, अंदर लेके मैंने अच्छा समझने के लिए बात किया। मैंने अभी इस सिचुएशन में क्या किया, जो इंडिकेटर का प्लस पॉइंट होता है इनको ज्वाइन कर दिया, इंडिकेटर का प्लस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अभी एक्चुअली क्या होता है, लास्ट पॉइंट है, अभी एक्चुअली क्या होता है, समझो यहाँ पे करंट आ गया, बैटरी से करंट पहले फ्लैशर के पास आ गया, फ्लैशर से करंट आया जो हैंडल के ऊपर स्विच होता है इसके बीच के पॉइंट में आ गया। अभी समझो मैंने लेफ्ट बाजू में अगर घुमा गया लेफ्ट बाजू में, तो ये जो करंट है ये लेफ्ट बाजू में चला गया, लेफ्ट बाजू में चला गया, लेफ्ट बाजू में चला जाने के बाद क्या होता है, ये जो वायरिंग होता है ये वाला प्लस है इसको ज्वाइन हो गया लेफ्ट बाजू में, कहीं पे भी ज्वाइन करो, यहाँ पे ज्वाइन करो या यहाँ पर ज्वाइन करो, कोई भी वायर में कहीं पे भी ज्वाइन करो, ऐसा कुछ बात नहीं है।
अगर आपके पास वायर अगर छोटा टुकड़ा वायर का, तो ये जो वायर मेरे यहाँ पे आप कभी कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यही जगह पे ज्वाइन करने जैसा कुछ मतलब है, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी मतलब है जो रेड कलर का दिखता है वहां पे करंट अभी है, आ गया, करंट आ गया। जो इग्निशन की का मैंने बात बता दिया था, वो थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूं। इग्निशन की के पास तीन प्रकार के टर्मिनल होते हैं। इग्निशन की के पास तीन प्रकार के टर्मिनल होते हैं। तो जो बैटरी से जो करंट आता है, बैटरी से करंट, वो समझो इधर आ गया, बैटरी से प्लस वाला यहाँ पे आ गया। उसके बाद ब्लैक कलर का एक वायर होता है, अभी मेरे पास ब्लैक नहीं है, मैं ये हिसाब से बता रहा हूँ। ये ब्लैक वायर ऐसा सोचो, ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का, और ये ग्रीन कलर का वायर है, ग्रीन कलर का वायर है, ऐसा सोचो। ये इग्निशन की, बाद में मैं मिटा दूंगा इग्निशन की, इसे मैं बताना चाहता हूँ जो भी कंफ्यूज हो जाए। लेकिन बैटरी से जो करंट जाने वाला वो कैसे जाता है, तीन कलर की वायरिंग होती है इग्निशन की में। रेड कलर का वायर होता है वो डायरेक्ट बैटरी से आ गया यहाँ पे, है ना। स्विच को मैंने निकाल दिया, स्विच को मैं बीच में नहीं लाना चाहता हूँ। तो रेड कलर का वायर प्लस वायर इधर आ गया। जब हम लोग की ऑन करते, की ऑन करने के बाद जो करंट होता है ये क्या होता है, एक्चुअली ये रेड कलर का वायर यहाँ पे जोड़ जाता है, ब्लैक कलर में करंट आ जाता है, ब्लैक कलर। बाद में ब्लैक कलर में करंट आने के बाद वो फ्लैशर में चला जाएगा। ये है ये निगेटिव वाला, अर्थिंग वाला वायर होता है ग्रीन कलर का। ये बॉडी में भी लगा सकते हैं, अर्थिंग भी सकते हैं। ये निगेटिव वाला, ये बाद में आप निगेटिव का वायर इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इग्निशन की वायरिंग देखना चाहते हैं तो इग्निशन के में तीन प्रकार के वायरिंग होते हैं, बैटरी से आते हैं और रेड कलर के वायर होते हैं। अगर हम लोग की ऑन करते, की चालू करते, तो उस समय ये जो करंट है इधर कॉन्टेक्ट आता है ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर मैंने पर्पल कलर ले गए, ब्लैक कलर सोचो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अपना ब्लैक है। तो ये करंट है वो इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद ये जो करंट है ये वाला बीच वाला, ये फ्लैशर में चला जाएगा, फ्लैशर के प्लस में चला जाएगा, फ्लैशर के प्लस में। बाद में ये जो अर्थिंग है निगेटिव में ज्वाइन कर सकते, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको निकाल ही देता हूं। दोस्तों आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा, सबसे पहले बैटरी से करंट कहां पर आ गया, बैटरी के प्लस से फ्लैशर के प्लस में आ गया। फ्लैशर में अंदर का सर्किट घूमकर यहाँ पर निगेटिव में आ गया, फ्लैशर का, फ्लैशर के निगेटिव के पास से करंट कहां पर चला गया, ये जो स्विच होता है हैंडल बार में, इसके मिरर पॉइंट में आ गया, मिरर में आ गया, यहाँ पे करंट आवा आ गया। जैसे हम लोग लेफ्ट का स्विच ऑन करेंगे तो लेफ्ट से करंट पास हो जाएगा, दोनों भी इंडिकेटर में, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, प्लस पॉइंट में आएगा, इंडिकेटर के प्लस पॉइंट में। मानो हम लोग ने ये जो बीच का पॉइंट है इसको अगर हम लोग ने राइट बाजू में धकेल दिया, राइट में, तो राइट का जो पॉइंट है वो हम लोग पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यहाँ से। तो मैं वापस यहाँ पे लुक कर रहा हूँ और यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसे किया। अरे राइट बाजू में जो अगर हम लोग स्विच कर रहे हैं तो राइट बाजू का करंट यहाँ पे कुदी मारते लूपिंग किया, मैंने वायर को ज्वाइन नहीं किया। बाद में राइट बाजू के इंडिकेटर के प्लस पॉइंट में आ गया, वो प्लस पॉइंट तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, पहले इंडिकेटर में आया। अरे शॉर्ट टर्म में बोले तो क्या होगा, जो करंट वायर करंट यहाँ पर आ गया, ऐसे जाके वापस रिटर्न हो गया, यही मतलब हो गया सब जान। बीच में सिर्फ हम लोग ने फ्लैशर लगाया, दूसरा कुछ इश्यू नहीं है। ये स्विच लगाया, जैसे घर में हमारा स्विच है, जैसे स्विच है ये स्विच ऐसा सोचो, फिर फ्लैशर रहेगा नहीं रहेगा कुछ मतलब नहीं रहेगा। फ्लैशर का काम क्या है, ब्लिंकिंग करना, बंद चालू करना, लाइट को जलने, बंद चालू होता है इसके लिए। अगर नहीं होगा डायरेक्टली शॉर्ट करें, फ्लैशर को अगर निकाल देते डायरेक्ट शॉर्ट करें तो आपकी लाइट है इंडिकेटर के ब्लिंकिंग नहीं होगी, बंद चालू नहीं होगी। अभी बात करते सर, समझो लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट में करंट आ गया प्लस का इंडिकेटर, ये भी प्लस में आ गया, लेफ्ट बाजू के इंडिकेटर रहेगा। और जो निगेटिव इंडिकेटर जलने के बाद जो निगेटिव वायर है निगेटिव वो डायरेक्टली बैटरी के निगेटिव गया, यानी इसका काम हो गया ऐसा। समझो हम लोगों को राइट बाजू का इंडिकेटर जलाना है, ये जो स्विच है हैंडल बार के ऊपर होता है, ये राइट बाजू में हम लोग ने ढके रही था, ये जो करंट होता है ये करंट ऐसे जाकर लूप हो गए ये बाजू में आ गया, इंडिकेटर के साइड में आ गया, वही करंट ये बाजू से मैंने बता दिया प्लस प्लस के पास करंट आ गया। तो निगेटिव से बल्ब जलने के बाद जो निगेटिव से करंट है, निगेटिव से करंट यहाँ पे आ गया और ये डायरेक्ट इधर से आके यहाँ पे मैंने शो किया है, बैटरी के निगेटिव में आ गया। आपको ज्यादा अगर वायरिंग नहीं करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
ये जो नेगेटिव वायर है इसके बारे में बात है। फिर से देखो, बार बार देखो, नेगेटिव वायर तो मैंने अभी डायरेक्ट ज्वाइन करो, क्योंकि वायर ज्यादा हो गया तो हम लोग को अभी वायर कम वायर आपके पास, तो क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम लोग बात करते। अगर कम वायर रहेगा तो सीधा आप लोगों को क्या ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वायर ज्वाइन हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव ज्वाइन हो गया और डायरेक्टली यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव ज्वाइन गया। अपनी मोटरसाइकिल है, बाइक है, ऊपर मुआ पीछे का हिस्सा नीचे, ऐसा सोचो। ये लेफ्ट बाजू के इंडिकेटर है, राइट बाजू के इंडिकेटर है, जैसे मैंने फिगर में बात बताया वो हिसाब से आपको दो तीन बार अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा क्या होता है। इस प्रकार की वायरिंग होते हैं इंडिकेटर के बारे में होते हैं। समझो आपका इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो कैसे देख रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।